हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस की एनएन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिया है, और अगर वहाँ नहीं दिया हुआ है तो जाइए आप और टेलीग्राम ग्रुप पे इसको अपलोड कर दी गई है। तो आप इसको अपलोड करके इस नोट्स से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपसे जो बातें हुई थी वो मैंने किया था। कुछ कुछ जो कुछ कुछ लोग जो कह रहे थे कि मुझे ना पीडीएफ नहीं मिल रहा, तो पीडीएफ नहीं मिल रहा तो उसका उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस जो जो पीडीएफ रहती है उसको आप किसी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, तो वो ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर डाउनलोड करके हम लोग छोड़ देते हैं तो वो बाद में वो हो जाती है, मतलब कि वो रिज्यूम पर चली जाती है। तो कुछ इस तरह के जो मुझे मैसेज करके लोग बोल रहे थे, तो उनका मैसेज का रिप्लाई यही है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बाकी बने रहने वीडियो क्लास तक, इसको हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारे भारत के भौतिक विभाग, जो कि आज हमारे पांचवा क्लास है। भारत के भौतिक विभाग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत के टॉप चोटी वाली, जैसे जम्मू कश्मीर है, जो कि भारत के वो कहा जाता है, भारत के ताज कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। तो ऊपर में तीन सारा एक पर्वत श्रेणी है, मतलब एक तो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीनों को एक सामूहिक रूप से डिनोट करने के लिए एक नाम दी गई है, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय नाम दी गई है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के कुछ इस तरह से लोकेशन है। उसके बाद हमारा जो आता है वो आती है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय। उसके बाद हमारा आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन आती है, आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय में जो आती है वो तीन तरह की आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों। और काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी के टू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। उसके बाद हमारा था ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में बहुत सारा आती है, जैसे कंचनजंगा आती है जो कि सिक्किम में मौजूद है, नंगा पर्वत आती है जो कि लद्दाख में मौजूद है, नंदा देवी आती है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, कमेट उत्तराखंड में आती है, दूनागिरी उत्तराखंड में आती है, और नामचा पर्वत जो कि तिब्बत में आती है, जो कि अब चाइना के मॉल हो चुकी है। नेपाल में भी बहुत बहुत तरह के पर्वत पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में आपका धौलागुरी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है, मौनसालू है, तो कुछ इस तरह की बात है। उसके बाद हमारा आता है, पहला तो आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है ग्रेट हिमालय, और तीसरा जो आती है उसको हम लोग कहते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय में लगभग चार पांच वो हैं, पीर पंजाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और धौलागिरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में, और मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत जो है वो नेपाल में, और शिवालिक का कोई भी नहीं है। मतलब शिवालिक को हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय कहते हैं हम लोग शिवालिक को कहते हैं। अब ये बात हो गई, अब हम लोग इसके कुछ रिविजन वाले पार्ट, थोड़े से एक्सप्लोर वाले पार्ट में चलते हैं। भारत के भौतिक भूगोल, जिसके आपको पता है कि भारत के भौतिक भूगोल के बारे में पर्वत एवं पठारी के बात हम लोग करें। हिमालय, हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया, एकदम आपको टिप्स पे याद रहनी चाहिए। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय होती है। ट्रांस हिमालय में चार पाँच गो होती है, सॉरी चार ट्रांस हिमालय में तीन गो होती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों की तीनों होती है। और एक तो जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मैंने मैप पे पूरा डिपेक्ट कर दिया, जैसे कि काराकोरम इस तरह से है और लद्दाख इस तरह से, जास्कर तीनों को एक समूह में हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जिसपे एक पर्वत चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं केटू गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो आप लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिएगा तो नहीं भूलिएगा, कुछ इस तरह के आपके पास लोकेशन मौजूद है। आगे बात करते हो तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में कौन कौन है, तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में मौजूद है, और नंगा पर्वत जो कि लद्दाख में मौजूद है, और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, और कमेट जो है वो यूके में मौजूद है, और दूनागिरी जो है वो उत्तराखंड में, और नामचा पर्वत जो है जो कि तिब्बत में मौजूद है। अब सारे के सारे को मैंने डिबेट करने की बात की है, तो नामचा पर्वत, दूनागिरी और नंदा देवी और कमेट तीनों के तीनों चारों उत्तराखंड में है, और आपका जो नेपाल वाला एरिया जो इधर सिक्किम वाला एरिया से नीचे जो आपकी आती है, तो कंचनजंगा आपको पता है कि सिक्किम में मौजूद है,
और मकालू जी आपको पता है कि नेपाल में मौजूद है, धौलागिरी नेपाल वाले एरिया में हिमालय पर्वत की चोटी है। और आपका गौरी शंकर, मानसालू, अन्नापूर्णा, इस सब जो है वो कुछ इस तरह से हैं। अब उसके बाद हमारा आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय में आपका पीर पंजाल है, धौलाधारा है, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत है। अब इन सब का लोकेशन आप ये देख लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीर पंजाल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, और धौलाधार जो है वो कहीं हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा जो कि आपका कहाँ है तो आपका उत्तराखंड में, और मसूरी है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। और ये भारत के कुछ ये लोकेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थोड़ी कुछ हम लोगों ने इस तरह से जो दे दिए हैं मैप, आप चाहें तो इसको डिपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैप जो है ये रहा, और उसके बाद ये रहा, ये मैंने गूगल से डाउनलोड करके दे दिया है एग्जैक्टली। तब इसको चाहें तो समझने के लिए आप दिल ले सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।